नमस्कार मित्रों, मैं अनिश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अगर डेट की बात करें तो आज है 10 जुलाई दिन बुधवार और हम आए हैं इस समय वाराणसी से लगभग 50 किलोमीटर दूर लखनिया दरी वाटरफॉल। और यहां पर पानी देख सकते कितना इस समय गिर रहा है मेरे पीछे, तो उसी का अपडेट देने के लिए मैं आया हूं। और अगर आप यहां पर आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए तो खाने पीने का सामान अपना लेके आइए, क्योंकि आपको खबर है ना, खाने पीना चीज़ वही खरीद सकते हैं बस मैक्सिमम चीज़ आप, तो खाने पीने का सामान लेके आएंगे तो सही रहेगा। बाकी चलते हैं, आपको नज़ारा दिखाते वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज है 10 जुलाई और 10:15 इस समय 15 मिनट हो रहा है और यहाँ से अरोरा 5 किलोमीटर है और स्टेट हाईवे 5A है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चुनार किला 28 किलोमीटर, नौगढ़ 45 और यहाँ से अयोध्या 224 किलोमीटर है। और ये आपका देख रहे हैं, ये है अरोरा का रिजर्वायर, ऐसा डैम है आपका। और ये रास्ता देख रहे हैं, ये चला जाता है आपका लखनिया दरी की तरफ। अब बारिश का मौसम आ गया, देख सकते हैं पहाड़ी में इतने पेड़ पौधे हैं, सब हरे हो गए हैं इस समय। और ये अरोरा की घाटी है, बाइक से आए हूँ मैं अपने। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं लखनिया दरी के नज़ारे। ये कुछ जाने के दोस्तों ऐसा रास्ता है, देख सकते हैं रोड एकदम बन चुका है और हरियाली देखने मिल रहा है। अब पहले दोस्तों इसी रोड का उपयोग किया जाता था आने जाने के लिए, लेकिन अब बाईपास बन गया है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं लखनिया दरी जलप्रपात, मिर्जापुर वन विभाग, मिर्जापुर। ये गाड़ी की संख्या और चीज संख्या, ये बाइक है मेरी। और यहाँ देख सकते हैं आप, यह है लखनिया दरी का मुख्य प्रवेश द्वार। जीवन अमूल्य है, चुनार दरी में प्रवेश प्रतिबंधित है, चुनार दरी जाने के प्रयास न करें अन्यथा आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, शराब पीना सख्त मना है। ये देखिए पानी की गिरती हुई आवाज, हरा भरा इस समय हो गया है। यह है गरई पुल, ये जो नदी है इसका नाम है गरई नदी। यह है दोस्तों मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ जाने से पहले आप जो नियम कानून उसको आराम से पढ़ लीजिए, नहाना सख्त मना है, शराब पीना मना है, टाइमिंग देखा कब से खुला कब बंद होता है, ठीक है। यह है दोस्तों लखनऊ दरी जाने का 5 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, यानी कि 5 रुपये वाला कोई सुविधा नहीं है। यानी अगर आप यहाँ आ रहे हैं, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, सिर्फ 5 रुपये लिया जा रहा है। पहले फ्री था, 5 रुपये लिया जा रहा है। ये डेट लिखा है 10/7/24। ये देखें यहाँ पर आप लखनिया दरी का जलप्रपात। देखिए कितने लोग कन्फ्यूजन होते हैं, जो अंदर ऊंचाई से पानी गिरता है वो चुना दरी है एक्चुअल में, और ये जो पानी गिरता है देख रहे हैं ये है लखनिया दरी। इसीलिए अगर आप आ रहे तो लखनिया दरी तक बस जाना अलाउ है, चुना दरी जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो दुर्घटनाएं होती हैं या किसी को जान गंवाना पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ चुना दरी में होता है, लखनिया दरी सेफ है आपका। यह है दोस्तों सामने लखनिया दरी का व्यू, अभी आगे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे, बस वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि बहुत सारा डिमांड आपको आ रहा था कि लखनिया दरी में पानी आया कि नहीं आया, तो जो है वो आपके सामने देखिए इतना ही पानी आ रहा है। इतने में अगर नहाना चाहे तो नहा सकते हैं आप। सामने देखिए दोस्तों पुलिस वाले दो गश्त करने जा रहे हैं और यहाँ देखिए नहा रहे लोग। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर लखनिया दरी आ रहे हैं, सिर्फ लखनिया दरी नहीं, आसपास आपको और भी कई सारे चीज़ देखने को मिल जाएंगे, यानी इसी रोड के ठीक उस पर जाएंगे हाईवे के तो आपको नौका दरी देखने को मिलेगा, उससे दूरी थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको भदरिया दरी देखने को मिलेगा, अरोरा डैम है आपका, यानी कई सारे रमणीय स्थल है वो आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा पत्थर से पाथवे बना है आगे चलने के लिए, चलिए चलते हम लोग। बाकी यहाँ देख सकते हैं पत्थर, आप चट्टान पूरा काट के पानी रास्ता निकाला गया है।
हरियाली मौसम है एकदम। अभी तड़ा धूप था, धीरे धीरे बारिश होने का मौसम बन रहा है, देखिए क्या होता है। देख रहे हैं यहाँ पर आप, जो लोग भी आते हैं अपना चीज पैकेट कुरकुरे जितने भी गंदगी पूरा करते हुए जाते हैं। और यहाँ देखिए लाइट से खंभा लगा है, गिर गया है ये। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप नहाने धोने या कुछ भी करने आए हैं तो आराम से करें, क्योंकि अभी सामने वो लड़की गिर गई है स्लिप खा के, देख रहे हैं। तो इसी तरह बच बचाव के रहिए। देख रहे पानी यहाँ पर स्लोप पानी का, यहाँ लोग देखे चूल्हा वाला बनाए अपना खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं घूमने फिरने तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया साफ सफाई का ध्यान रखें, कूड़ा कचरा यहाँ न फेंके। और देख सकते हैं यहाँ लिखा है आवश्यक सूचना, आगे सघन वन क्षेत्र है, वन्य जीवों का जान खतरा हो सकता है, आप पर्यटन क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। और वाराणसी से की दूरी की बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर है और हाईवे से 4 किलोमीटर। जैसे अरोरा आप अस्थायी टोल प्लाजा पार करेंगे दाहिने रास्ते कटर है। यहाँ देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए जो लोग स्नान करते हैं महिलाएं उनके कपड़े चेंज करने, देखिए यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाया गया है। अगर चेंजिंग रूम आप कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, लोग तोड़ फोड़ दिए हैं इसको। अरे पुलिया बना है इस पार से उस पार पार करने के लिए, और वो भी रास्ता आपका किनारे 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 पहाड़ी होते हुए मेन रोड पर पहुँच जाएगा, जहाँ से हम लोग गरे पुल देखे थे वहाँ पर। ये है लखनादारी का पानी का व्यू, कितना पानी आ रहा देख सकते हैं, एंजॉय कर रहे लोग। ये पुलिया बना है इस पार से उस पार करने के लिए, बाकी पानी का फ्लो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए बॉडी दिखा रही है, कह रहे भैया हमारे लेला हमका ठीक है, ये रास्ता देख रहे हैं, यही से ही बात कर रहा था मैं। यहाँ भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए पुलिया के नीचे का नज़ारा है, पानी बहता हुआ, काफ़ी मज़ा आ रहा है।